सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट ये वो लोग हैं जो यहाँ से सर्टिफाइड होते हैं और इनका मकसद क्या है अगर ये लोग सर्टिफिकेशन हासिल नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम इनका जो प्रोसेस है उस पर इनकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की तलीम क्यों लेते हैं ताकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का ऑडिट कर सकें फिर उनकी जो स्टैंप है वो यूज़ होती है किसी भी ऑडिट परपज़ के लिए इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आर्गनाइजेशन की सर्टिफिकेशन के लिए लाजम है कि उनके जो इम्प्लॉज़ हैं वो ग्रेजुएट हों मुख्तफ ऑर्गेनाइजेशन से जैसा कि बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशन जैसा कि अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन अगर वो लोग यहाँ से ग्रेजुएटड नहीं तो आर्गनाइजेशन उनको हायर नहीं करेंगे सर्टिफिकेशन ऑफ सेफ़्टी एंड हेल्थ प्रोफेशन इज़ फर्दर एडिड टू सर्टिफाइड प्रोफेशनल एड अब यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जो डिग्री है इसको अवार्ड कौन करेगा अवार्डेड बाई द बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इन प्रोफेशनल इकोनिक्स ये ऑर्गेनाइजेशन हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं मुख्तफ एक्सपर्ट्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे इंश्योर किया गया है कि ये वो लोग हैं जो कि इस किस्म की डिग्रीज अवार्ड कर रहे हैं सर्टिफाइड ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस वक़्त तक हेल्थ रिलेटेड नर्स चाहे वो मेल नर्स है या फीमेल नर्स है उसको डेप्यूट या एम्प्लॉय नहीं किया जाता जब तक के वहाँ पे उनके पास सर्टिफिकेशन ना हो और सर्टिफिकेशन अवार्ड करने की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिकन बोर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिस है अमेरिकन बोर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से बाकायदा तौर पर जो लोग सर्टिफाइड होते हैं उनको ग्रेजुएट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बेटर सैलरी के ऊपर हायर कर रही हैं सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के अंदर इस चीज को इंशोर किया गया है टू क्वालिफाई फॉर सी एस पी सी एस पी स्टैंड फॉर सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स अगर आप लोग सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं अचीव करना चाहते हैं डिग्री ऑब्टेंड करना चाहते हैं अप्लीकेंट्स मस्ट फॉलो दी स्टेप्स नंबर वन अप्लाई टू बी सी एस पी बी सी एस पी क्या है बेसिकली इट इज अ बोर्ड फॉर सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स यहाँ पर एक बोर्ड है जिसमें आप पहले अप्लाई करेंगे देन मीट एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो भी उनके अकैडमिक रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं चार साल डिग्री और वो बी एस सी एस प्रोग्राम है बी एस सी एस बैचलर इन साइंस इन कम्प्यूटर साइंस उसके अंदर यू हैव टू स्टडी टाइल सब्जेक्ट्स इन ई सेमेस्टर देर आर एट से यू हैव टू क्लियर फोर्टी सब्जेक्ट्स विद गुड जी पी ए और सी जी पी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फुलफिल द सिक्स क्रेटर अ प्रोजेक्ट ओवर देयर अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं तो आपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी बी एस सी एस प्रोग्राम की तो इसके बाद आपको बी एस सी एस प्रोग्राम की डिग्री अवार्ड कर दी जाती है इसी तरह आपने पहले अप्लाई करना है बी सी एस पी प्रोग्राम के लिए उसके बाद यू हैव टू मीट एंड एक्डेमिक रिक्वायरमेंट्स नंबर थर्ड मीट आ प्रोफेशनल सेफ्टी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एक इसकी मैं और एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मेडिकल डॉक्टर हैं पाँच साल उनकी पहले बाकायदा स्टडी है छठा साल उनका हाउस जॉब ट्रेनिंग है हाउस जॉब ट्रेनिंग में उनको बाकायदा एक साल किसी हॉस्पिटल में अटैच किया जाता है उनके बाद में उनको डिग्री अवार्ड की जाती है बिल्कुल इसी तरह यू हैव टू मीट प्रोफेशनल सेफ्टी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट अगर आप प्रोफेशनल सेफ्टी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मीट कर देते हैं सेफ्टी फंडामेंटल एग्जामिनेशन फाइनली पाँच साल डिग्री चार साल डिग्री के बाद यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम फिजिकली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम यू विल बी ग्रेजुएटेड पास द कंप्रीहसि प्रैक्टिस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस फिजिकली जैसा कि डॉक्टर की डॉक्टरेट के अंदर देखा गया है कि जो बच्चे एम बी बी एस हैं बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी हैं वो बच्चे अपनी पाँच साल डिग्री तो क्वालिफाई करेंगे लेकिन जो उनकी हाउस जॉब है उसके बाद उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उन दोनों चीज़ों को जब वो कम्प्लीट कर लेंगे तो फिर वो ग्रेजुएट होंगे बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं यू हैव टू क्वालिफाई द रिटर्न एग्ज़ाम यू हैव टू क्लियर ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव टू क्वालिफाई द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसके बाद में आप लोग एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल कहला सकते हैं एमरजिंग रोल ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं इस वक्त उनके रोल में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है एज द वर्ड गेट्स फ्लैटर एज ऑर्गेनाइजेशंस गेट लीनियर लीनर एंड एज ग्लोबल कंपटीशन बिकम्स मोर इंटेंस द रोल ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स वेदर मैनेजर्स इंजीनियर्स टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस और हेल्थ केयर पर इज चेंजिंग डे बाई डे आपको मालूम है क्विक एंड मॉर्टल से चीज़ें प्योर डॉट कॉम पर शिफ्ट हो गई हैं जो काम फिजिकली होता था अब ऑनलाइन हो रहा है और ये ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है कोविड सिचुएशन चल रही है दुनिया में माइट पॉसिबल पाँच साल के बाद ये ना हो लेकिन इससे कैपैसिटी बिल्डिंग डिवेलप हो गई ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड फिजिकल काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया अब अगर फ्यूचर में दिस साइट ऑफ एक्सीडेंट्स विल अकर नो प्रॉब्लम दे कैन फिजिकली वर्क दे कैन ऑनलाइन वर्क इसी तरह जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेश के अंदर रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो चुका है कुछ ऑर्गेनाइजेश फिजिकली काम कर रही हैं और कुछ अक्रास दॉर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे हैं yeah. इसी तरह दिस इज द मैसेज ऑफ डॉन ग्रूवर एंड जिम Spigner, in a series of articles in Occupational Health and Safety, according to authors, the core duty of safety professionals has not changed. हमने अभी डिस्कस किया कि बेसिक जनैरिक ड्यूटीज जो चेंज हो चुकी हैं इम्प्लाइज की लेकिन जो प्रामली ड्यूटी है वो चेंज नहीं हुई वो पैरामली ड्यूटी क्या हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज। एम्प्लॉज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू

Sometimes incidents that lead to injuries to personals and damage to property or the environment. However, the skill they will need to fulfill this duty are changing. Skill kya hai? Skill is application of your basic knowledge. Applications of your basic knowledge is known as skill. I would like to give you an example. I know how to fly an aeroplane. फॉर एग्ज़ाम्पल एक जी डी पी पायलट है वो जानता है कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है उसने दो तीन चार साल ट्रेनिंग ली ट्रेनिंग लेने के बाद जब एक्चुअली वो एरोप्लेन जो जी डी पी पायलट है वो उसको फ्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो शख्स बहुत स्किल्ड है इट डजेंट मीन ही इज़ वेल एजुकेटेड नाउ हिज एजुकेशन नॉलेज हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म इन टू स्किल फॉर एग्जाम्पल वुड लाइक टू गो विद द विदेशन ऑफ टाइपिंग एक बंदा टाइपिंग सीखता है जब वो टाइपिंग सीख जाता है तो अच्छा टाइपिस्ट बन जाता है अच्छा टाइपिस्ट बनना अच्छा टाइपिस्ट होना कहलाना ये उसका स्किल है लेकिन स्किल क्या है एप्लीकेशन ऑफ हिज एजुकेशन है एप्लीकेशन ऑफ हिज नॉलेज है जिसको उस शख्स ने अप्लाई किया और उसके रिजल्ट्स उसने अचीव किए तो यहाँ पे इस चीज़ को इंशोर किया गया है कि जो एमरजिंग रोल ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स है आल्दिन का रोल चेंज हुआ है लेकिन बेसिक जो मैदली फंक्शन है वो इनका चेंज नहीं हुआ